नमस्कार, मैं हूं सांसद रवि किशन शुक्ल, गोरखपुर। देश इस वक्त कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, सबको पता है। हम लोगों का प्रयास अब यही है, आपका भी, हमारा सबका, और हम लोग कर भी रहे हैं कि एक एक जान बचाए, एक एक जान की कीमत। समय ऐसा आएगा किसी को पता नहीं था, सेकेंड वेव ऐसी आएगी किसी को पता नहीं था, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। मैं धन्यवाद दूंगा सारे डॉक्टर्स को, सारे कोरोना वॉरियर्स को, वो एम्बुलेंस चालक को, एवरीबॉडी, जितने लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं, निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, पर्सनल हो, यूथ, युवा के जो ट्विटर पे मदद कर रहे हैं, सारे लोग जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करके कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बिकॉज ये समय ऐसा। मेरे खुद बड़े भाई भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, हैवी डायबिटिक हैं, वो भी डर रहे थे, लेकिन कैसे भी उनके मानसिक संतुलन को स्ट्रॉन्ग करके मैंने उनको गाँव में ही कहा कि आप अपना उपचार वहाँ करें। माँ भी घबराई हुई थी, लेकिन कोशिश यही है कि उपचार घर पर भी करें अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। उल्टे लेटना है, कैसे करना है, साइड करवट सोना है, योगा, लोम विलोम, प्राणायाम करके अपने आप को हाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, डेली गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, गर्म दूध पीना, लौंग कपूर और इसका अजवाइन का पुड़िया बना के, एक पोटली बना के कॉटन के इसमें नाक में सूंघना है, भाप ज़्यादा लेना है, स्टीम लेना है, गर्म पीना है, गर्म खाना है, ये सारी चीज़ों के साथ साथ मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं कोविड की, वो लेना है। उस सारे नियम को आप पालन करें, दो गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, ये सबको पालन करते हुए हम लोग इस लड़ाई को भी जीतेंगे। जैसे पिछले साल जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, अब हमारे पास संसाधन है, देश की आर्मी पूरे लग गई है ऑक्सीजन लाने में, रेलवे देश का लग गया है पूरा ऑक्सीजन बोकारो से लाने में, टैंकर्स पहुंच रहे हैं, यूपी की आबादी 24 करोड़ है, प्रयास पूरा है कि हर जगह हम लोग करें। लोग घबरा भी रहे हैं, अफवाहें भी फैला रहे हैं, कुछ नकारात्मक सोच भी इसके अंदर लग गई है, कुछ विरोधी भी लग गए हैं, जो कि इस वक्त उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मानवता को बचाना है, ये भूल जाइए किस पार्टी से हैं, कौन क्या है, इस सब को भूलते हुए हम दोनों को, हम सबको मिल के इस वक्त देश को बचाना है, लोगों को बचाना है, एक एक ज़िंदगी बचाना, एक एक प्राण बचाना है। मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। 40 लाख रुपए का अमाउंट हमने अपने यहाँ पर युद्ध स्तर पर एक प्लांट लगाने के लिए कल दिया है। डीएम साहब से बात हुई कि जितने तेज़ी से हो उसको वॉर फुटिंग पे हम लोग एक प्लांट गोरखपुर में लगा दें, ऑक्सीजन प्लांट, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोग संयम रखें, हम लोग ये जंग जीतेंगे। दुश्मन जब अदृश्य होता है तो छिप के लड़ा जाता है, तो जब क्योंकि ये दुश्मन कोरोना दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोगों का इसमें इस वक्त घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। स्टे होम, नहीं कोई काम है मत निकलिए बाहर, हाथ जोड़कर विनंती है, अपने आप को बचाइए, आप अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, सबका, अपने पड़ोसी को, सबका ख्याल रखना है, यही विनंती है आप लोगों से। और महादेव चाहेंगे सब ठीक होगा, रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, इस दुख की घड़ी को भी जाना ही है, इसको रहना नहीं है। जय हो, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।